नमस्कार। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी के कारण किसी भी पुलिस का घायल हो जाना आम बात है। इससे निपटने के लिए जेके पुलिस ने नई रणनीति के साथ सामने आई है। पुलिस अब पत्थरबाजों में शामिल होकर ही उन पर शिकंजा कस रही है। इसका पहला नमूना शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद देखने को मिला। शुक्रवार को श्रीनगर के जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजों की एक भीड़ ने पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन आमतौर पर इसका मुकाबला पैलेट गन और आंस गैस के गोले छोड़कर जवाब देने वाले सुरक्षा बलों ने कुछ नहीं किया। जब इस भीड़ में 100 के आसपास पत्थरबाज जमा हो गए और उन्हें दो ऐसे पत्थरबाजों ने लीड करना शुरू किया जो अक्सर ही ऐसी घटनाओं में आगे रहते हैं, तब अचानक से सुरक्षा बलों ने उन्हें बिखेरने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले बरसाए और तभी अचानक से पत्थरबाजी कर रहे दो पत्थरबाजों के रूप में सेना के जवान ने लीड कर रहे उन दोनों पत्थरबाजों को पकड़ लिया और नकली बंदूक निकालकर दूसरों को डराने लगे। उन दोनों पत्थरबाजों को पकड़कर इंतजार कर रही पुलिस की गाड़ियों में डालकर ले जाया गया। पुलिस ने पत्थरबाजों को कमजोर करने के लिए शुक्रवार को अपनी इस नई स्ट्रेटजी को अपनाया और इसका नतीजा भी मिला। पुलिस ने अपने दो आदमियों को पत्थरबाजों के बीच भेज दिया था जिन्होंने पत्थरबाजी में हिस्सा लिया और मौका देखते ही मुख्य पत्थरबाजों को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गए। यहां तक कि नकली पत्थरबाज बने इन पुलिस वालों के हाथ में बंदूक भी नकली थी। पुलिस की स्ट्रेटजी से हैरान होकर बाकी के प्रदर्शनकारियों ने विरोध जल्दी खत्म कर दिया और लौट गए। बता दें कि पुलिस ने ये स्ट्रेटजी एक बार 2010 में भी अपनाई थी ताकि इलाके के पत्थरबाजों की पहचान कर गिरफ्तारी की जा सके। उम्मीद है कि अब पत्थरबाजों के हौसले पस्त हो जाएंगे और पत्थरबाजी रुक जाएगी। ऐसे ही देश दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। यदि आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कर दें। और अगर इस वीडियो को Daily Motion पर देख रहे हैं तो इस चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।